The GLGPO TD, let's see what's the problem of the day. The number of enclaves is a medium level problem, and the problem statement is you are given an n cross m binary matrix grid where 0 represent a C cell and 1 represent a land cell. A move consists of walking from one land cell to another adjacent 4 directionally land cell or walking off boundary of the grid. Find the number of land cells in a grid for which we cannot walk off the boundary of the grid in any number of moves. मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें क्या है, ये एक बाउंड्री गिवन है, ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, एक बाउंड्री गिवन है. इसको यार थोड़ा देख लेते हैं और अपना स्क्रीन पर चलते हैं, नॉर्मल यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, बाउंड्री ले ले 0 0 0 1 0 1 0 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
यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमें क्या है गया बाउंड्रीज का एक एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स गिवन है। इसमें से हमें पता लगाना है कि मान लो जैसे हम ऐसी कितनी जगह हैं जहाँ से हम बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। मान लो अगर हम ये हमारे क्या है वन, यहाँ पर हम चल सकते हैं, ठीक है ठीक है। ये हमारे क्या है लैंड सेल्स हैं, और ये ज़ीरो क्या है सी सेल्स हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है वन का मतलब है लैंड और ज़ीरो का मतलब है सी। अब देखो अगर मैं इस वन से चलता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बाउंड्री से बाहर निकल सकता हूँ, ठीक है। इस वन से चलूँगा तो मैं बाउंड्री से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस वन से चलता हूँ तो कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ पर जा सकता हूँ। देखो पानी में तो जाऊँगा नहीं, ऑब्वियसली मरना थोड़ी ना मुझे। इससे कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ। तो क्या मैं इससे चलूँ या इससे चलूँ या इससे चलूँ, किसी भी तरीके से बाउंड्री पार कर पा रहा हूँ? नहीं। तो ऐसे कितने लैंड सेल्स हैं मैं जिनकी वजह से बाउंड्री पार नहीं कर पा रहा हूँ? यहाँ हैं तीन, और इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ बाउंड्री पार कर जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक और इसी के तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये हमारा क्या एग्जाम्पल, इसमें देखो इसमें क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है। इसमें क्या, इसमें भी हमें क्या करना है वही निकालना है कि ऐसे कितने सेल्स हैं जिनसे हम बाउंड्री पार नहीं कर सकते। अब देखो अगर मैं इस वन से जाता हूँ तो क्या मैं बाउंड्री पार कर सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं इस सेल से बाउंड्री पार कर सकता हूँ। इस सेल से जितने भी सेल्स कनेक्टेड होंगे, मान लो कुछ भी जो जो वन इससे कनेक्टेड होंगे, मैं उन सबसे बाउंड्री पार कर सकता हूँ। मान लो यार एक ये रास्ता है जिससे मैं कुएं में कूद सकता हूँ, तो इससे जितने भी रास्ते कनेक्टेड होंगे उन सभी रास्ते के थ्रू मैं जाके कुएं में कूद सकता हूँ ना, है ना। तो यही है क्वेश्चन में कि अगर मैं इस वन से बाउंड्री पार कर सकता हूँ, इस वन से बाउंड्री पार कर सकता हूँ, तो मैं देखूंगा इससे कनेक्टेड जितने भी वंस हैं सबसे बाउंड्री पार कर सकता हूँ। वैसे तो मैं इससे भी कर सकता था, इससे भी बाहर कूद जाऊँगा, इससे भी बाहर कूद जाऊँगा। ये वन किससे कनेक्टेड है, इससे, इस पाथ से कनेक्टेड है, इससे भी बाहर कूद जाऊँगा। ये वन किससे कनेक्टेड है, ये चारों आपस में कनेक्टेड है, इन सबसे मैं बाहर कूद सकता हूँ, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ पर आओ, ये क्या है आपस में, ये चार कनेक्टेड है और इनकी वजह से मैं बाउंड्री पार नहीं कर पा रहा हूँ। फिर इस वन पे आता हूँ, ये बाउंड्री पार कर जाएगा। इस वन पे आऊँगा, ये बाउंड्री पार कर जाएगा। हर एक सेल अपनी चार डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। हर एक सेल अपनी चार डायरेक्शन में जा सकता है। अगर ये मान लो आई कॉमा जे पर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई जे प्लस वन, ये क्या हो जाएगा आई माइनस वन जे, ये क्या हो जाएगा आई जे माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा आई प्लस वन जे। ये हमारी चार कंडीशंस हैं, ठीक है, चार डायरेक्शंस हैं जिसमें मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। अगर किसी भी तरीके से मैं इन चारों डायरेक्शन को ट्रैवल करके एक बाउंड्री पार कर जाता हूँ तो मुझे उसको काउंट नहीं करना है। लेकिन अगर मैं किसी भी वन से शुरू करता हूँ, बाउंड्री पार नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको मुझे क्या करना है, काउंट करना है। अब इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होगी, चलो वो डिस्कस करें, ठीक है। अब चलो ये हमने वही अपना पुराना वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब देखो ये चीज़ ऑब्जर्व करने वाली कि जो बंदा ऑलरेडी बाउंड्री पे बैठा है, ठीक है, जो बंदा ऑलरेडी बाउंड्री पे बैठा है मतलब वो बाउंड्री से कूद सकता है, वो सुसाइड कर सकता है, ठीक है। तो मुझे बस ये निकालना है कि बाउंड्री पे कौन कौन बैठा है और उससे कौन कौन कनेक्टेड थे। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में इस ऐसा एग्जांपल लिया था, ठीक है, वन जीरो। अब देखो ये बंदा बाउंड्री पे बैठा है तो इससे कनेक्टेड कौन कौन है, ये भी है, और इससे कनेक्टेड कौन कौन वन है, ये भी है। तो ये सारे ही आपस में कनेक्टेड हैं, तो अगर ये सारे एक ही उसके हैं तो मतलब ये सब के सब सुसाइड कर सकते हैं। तो जो भी बाउंड्री पे बैठे हैं मुझे उनसे मतलब है, क्योंकि खतरा वही है, जो भी बाउंड्री पे बैठे हैं खतरा किन से है, उन्हीं से है। तो मैं क्या करूँगा यार, अब मैं ट्रैवर्स करूँगा पूरे वेक्टर को, ठीक है, मैं ट्रैवर्स करूँगा पूरे मैट्रिक्स को और उसमें से देखूँगा कौन कौन बंदा बाउंड्री पे बैठा है, ठीक है, कौन कौन बंदा बाउंड्री पे बैठा है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको, इस लाइन को और इस लाइन को और इसको और इसको, ठीक है, इस कॉलम को, इस रो को और इस रो को, इन चारों को ही ट्रैवर्स करना है, यही है बाउंड्री। अगर इन पे बाउंड्री पे वन नहीं मिले तो अंदर के सारे वन क्या हो जाएंगे हमारे,
आंसर में आ जाएंगे। लेकिन अगर इन पे वन मिल गया तो हमें निकालना है इनसे कनेक्टेड कौन कौन है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसका काउंट लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कॉमा ज़ीरो, ठीक है। और मैं इसको देखूँगा और इसको देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कॉमा एम माइनस वन, ठीक है। और इस रो को देखूँ, ये रो क्या हो जाएगी, ज़ीरो कॉमा आई, ठीक है। और ये रो क्या हो जाएगी, ज़ीरो कॉमा एन माइनस आई, ठीक है, सॉरी एन माइनस आई कॉमा आई, ठीक है। ये हो जाएगा, बस ये है हमारी चारों। इसमें क्या करूँगा, अगर चारों रोज में ट्रैवर्स करके मुझे जितने भी वन मिले उनके कोऑर्डिनेट्स इसमें डाल देता हूँ, किसमें, क्यू में। ये मेरी क्या है, क्यू। इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं बाउंड्री को चेक करा, बाउंड्री से जितने भी मुझे वन मिले, बाउंड्री के पास जो भी वन मिले वो मैं क्यू में डाल दूंगा कि भाई इन वन से मुझे ख़तरा और इनसे कनेक्टेड जो जो वन है उनको आप आंसर में मत लेना, ठीक है। अब वही काम करते हैं। अब क्या करा, इन चारों के थ्रू हमने क्या करा, बाउंड्रीज़ को चेक करा। पहले क्या करा, इस पूरी लाइन को चेक करा, इसमें कोई वन है नहीं है। इस पूरी लाइन को चेक करा, इसमें क्या है, बाउंड्री पे एक वन बैठा, किस कोऑर्डिनेट पे, वन कॉमा ज़ीरो पे, वन कॉमा ज़ीरो, ठीक है, वन कॉमा ज़ीरो पे, ठीक है। अब क्या करना है यार, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट और करते हैं, वन वन और इसको ज़ीरो, इसको ज़ीरो, ठीक है, ये ठीक है। अब क्या करते हैं, इस रो में जब जाएंगे तो क्या मिलेगा इसमें, ज़ीरो कॉमा वन, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, ज़ीरो कॉमा वन, इस रो में ज़ीरो कॉमा वन मिला, इस कॉलम में वन कॉमा ज़ीरो, जहाँ जहाँ वन मिलेगा बाउंड्री पे उसको भर देंगे, और कहीं बाउंड्री पे नहीं, ये यही हमारी चार बाउंड्री है, चारों बाउंड्री पे और कोई नहीं। अब मैं क्या करूँगा, ज़ीरो कॉमा वन उठाऊँगा, ठीक है, ज़ीरो कॉमा वन उठाया। अब इसके चारों तरफ मतलब ज़ीरो कॉमा वन ये है, अब जहाँ जहाँ पॉसिबल हैं वहाँ वहाँ देखूँगा, क्या इसके ऊपर कोई वन है, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्या इसके इधर कोई वन है, नहीं है, इधर कोई वन है, नहीं है, इधर कोई वन है, हाँ इधर भी वन है, तो इस वन को भी मैं क्या डाल दूँगा, क्यू में डाल दूँगा कि इससे कनेक्टेड जो जो वन है। यार ये एक तरीके का कोरोना है, इसको अगर कोरोना हुआ तो इसके साथ में जो भी है सबको कोरोना हो जाएगा, ठीक है। ये वन था, हाँ इसके साथ में कोई है, हाँ अब इसको भी कोरोना हो गया, तो इसको भी क्या कर दो, क्यू में डाल दो, वन कॉमा वन, किसको उठाया था, जीरो कॉमा वन को उठाया था, इसको पॉप कर देंगे, ठीक है। अब क्या डाला, वन कॉमा वन ऊपर है, ठीक है, इसके चारों डायरेक्शन में एक मिला। अब क्यू में कौन है, वन कॉमा ज़ीरो, ठीक है, अब क्यू में कौन है, वन कॉमा ज़ीरो, वन कॉमा ज़ीरो किधर है, यहाँ है। अब इसकी चारों डायरेक्शन में कौन है, इधर इधर इधर, ये तो ऑलरेडी हो गया तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब किसको उठाएंगे, वन कॉमा वन, वन कॉमा वन, अब इसकी चारों डायरेक्शन में हो गया, हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या कर देंगे, ये हो गया, सारे इन्फेक्टेड जो थे हमने क्या कर दिए कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, इन सबको क्या कर दो, माइनस वन कर दो, जो जो क्यू में आ रहे हैं उन सबको क्या कर दो, माइनस वन कर दो, ठीक है। अब ये वाले वंस मेरे क्या हो जाएंगे, एक तरीके से मैं इनको अपडेट कर दूंगा माइनस वन से, ठीक है। अब मैं फिर से ट्रैवर्स करूंगा कि अब जो जो वन मेरे माइनस वन नहीं हुए, मतलब उनसे पॉसिबल है कि वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे, जैसे ये वन है, इसके चारों में तरफ कोई भी ऐसा वन नहीं है जो बाउंड्री से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यही हमारा प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर रहेगा, चाहे कोई सा भी एग्जांपल लेके देख लो, किसी भी ड्राई रन करके देख लेना, यही फिट रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका ये तो था हमारा BFS ट्रैवर्सल, अब हमारा क्या होता, DFS ट्रैवर्सल से भी ये कर सकते हैं। एक हमारा फंक्शन बनता, उसमें वही पास होता कि वो पहले चेक करता कि ये इंडेक्स वैलिड है, फिर चारों डायरेक्शन में चेक करता, बस ठीक है, बात वही है। अब चलो इसका कोड करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी सारी बाउंड्रीज़ को क्या कर देना है, देख लेना है कि वहाँ पर वन कौन कौन, सिंपल सबसे पहले तो आंसर लेंगे भाई जो हमें फाइनल में रिटर्न कराना है। अरे यार इंट आंसर, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं अभी जीरो से, ठीक है। अब क्या लेंगे यार, साइज लेते हैं, इंट ग्रिड डॉट साइज हमारा क्या हो जाएगा, एन और एम में क्या डाल दें, ये हमारा नंबर ऑफ रोज आ गया, और ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, ग्रिड जीरो डॉट साइज, ठीक है। यहाँ से 2x पे कर लेना वीडियो, ठीक है, int n m। अब हमें क्या चाहिए, q चाहिए, क्या चाहिए, q चाहिए, q कैसी चाहिए, पेयर की चाहिए, हमें क्या डालना है, कोऑर्डिनेट्स डालने हैं ना, कि किस कोऑर्डिनेट पे वो वन मिला है, वरना तो और कोई फ़ायदा है ही नहीं। q हमने क्या ले ली, अब देखो, अब इस q में क्या डालेंगे, जो जो बाउंड्रीज पे वन है उन्हीं से ख़तरा है, ठीक है, जो जो बाउंड्रीज पे वन है उन्हीं से खतरा है। तो पहले क्या करता हूँ, दोनों रोज़ की, दोनों जो हैं कॉलम्स की, मतलब सारे
पहली रो पहले कॉलम और दूसरे लास्ट वाले कॉलम को, उन सब में जितने भी वो हैं वन उस, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, उन सब में जितने भी वन हैं उसको क्या कर चेक कर लेता हूँ। इफ़ अगर मेरा ग्रिड ऑफ आई ऑफ ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, पहले कॉलम के सारी वैल्यूज़ को चेक करो, अगर वो इक्वस इक्वस वन आती है तो क्या कर दो, क्यू में पुश कर दो उसके कोऑर्डिनेट्स, क्यू में उसके कोऑर्डिनेट्स को पुश कर दो, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, आई कॉमा ज़ीरो, ठीक है, आई कॉमा ज़ीरो। सेकेंड, इसको नीचे कॉपी करते, अगर ग्रिड ऑफ आई कॉमा एम माइनस वन, मतलब लास्ट के कॉलम में जो जो हैं, ठीक है, अगर वो वन है तो पुश क्या कर देना, आई कॉमा एम माइनस वन, ठीक है, सिंपल। ये तो दोनों कॉलम्स के लिए हो गया, अब दोनों रोज के लिए करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस, ठीक है। सेम चीज़, अगर मेरा ग्रिड ऑफ आई, सॉरी ज़ीरो ऑफ आई, ठीक है, अगर मेरा पहली रो के एक एक वैल्यू को चेक करा बाउंड्री पे, अगर वो वन है तो क्यू में क्या कर दो, यार ये कीबोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्यू डॉट पुश क्या कर देंगे, ज़ीरो कॉमा आई, ठीक है। सिमिलरली इसको नीचे कॉपी करते हैं, ये ऑल्ट प्लस शिफ्ट और नीचे का बटन दबाओगे, डाउन बटन, तो उससे क्या हो जाएगा, पुश वो हो जाएगा, एन माइनस वन वाले को करेंगे, एन माइनस वन का मतलब क्या है, लास्ट वाली रो, ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, पुश कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जब तक मेरी क्यू जो है खाली नहीं हो जाती, वाइल नॉट क्यू डॉट एम टी, जब तक मेरी क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक, मतलब खाली का मतलब ये है कि अब जितने भी बाउंड्री वाले वन हैं, हर एक वन के लिए मुझे अब क्या करना है, चेक करना है कि यार उससे जितने भी कनेक्टेड वंस हैं, उससे जितने भी कनेक्टेड वंस हैं उनको क्या कर दो, माइनस वन कर दो, और बाउंड्री वाले उसको भी माइनस वन कर दो, कि भाई यहाँ से तो हम जा ही सकते हैं, ठीक है, वाइल नॉट क्यू डॉट एम टी। अब यहाँ से क्या होगा, आई आई में मुझे क्या डालना है, क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट फ्रंट में क्या है, क्यू डॉट फ्रंट में है मेरे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का फर्स्ट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसी तरीके से सेकंड क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, आई कॉमा जे, क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकंड, ये हो गए मेरे कोऑर्डिनेट्स। और अब मैं क्या कर दूंगा, ग्रिड उस वन को, ग्रिड ऑफ आई ऑफ जे को, उस वन को क्या कर दो, माइनस वन कर दो, ठीक है, उस वन को माइनस वन कर दो, और क्यू से इसको पॉप कर दो कि इस वन के लिए तो अब हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें चार कंडीशंस लगेंगी, ठीक है, चार कंडीशंस क्या लगेंगी, पहले अगर मेरा आई माइनस वन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ तो मतलब मैं आई माइनस वन पर जा सकता हूँ, ठीक है, और चेक क्या करना है, अगर मेरा ग्रिड ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे इक्वस इक्वस वन हुआ, यानी वो मेरा बाउंड्री वाले वन से कनेक्टेड है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उसके कोऑर्डिनेट को क्यू में पुश कर दूंगा, क्यू डॉट पुश आई माइनस वन कॉमा जे, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरी चार कंडीशन होगी, इसको चार बार कॉपी कर लेता हूँ, चारों कंडीशन हम बताते हैं क्या है, ठीक है, एक आई प्लस आई माइनस वन, और दूसरी क्या होगी, आई प्लस वन, ठीक है, आई माइनस वन और आई प्लस वन, एक होगा आई माइनस वन कॉमा जे, एक आई प्लस वन कॉमा जे, एक होगा जे प्लस जे माइनस वन कॉमा आई जे माइनस वन, यहाँ पर भी जे माइनस वन कॉमा, सॉरी आई कॉमा जे माइनस वन होगा ना, हाँ आई कॉमा जे माइनस वन, ठीक है, और दूसरा आई कॉमा जे प्लस वन, इस वाले आई से हटा दो। सिमिलरली यहाँ पर आई कॉमा जे प्लस वन, और यहाँ पर भी देखो आई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और आई प्लस वन लेस देन एन होना चाहिए, जे माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और जे प्लस वन लेस देन एम होना चाहिए, क्योंकि जे आई क्या रिप्रेजेंट करता है, रो जे क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ये हो गया। अब ये जब हो जाएगा पूरा वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, अब बस मुझे देखने हैं कौन कौन ऐसे वन थे जो बाउंड्री से टच नहीं हो पाए, मतलब कौन कौन से ऐसे वन हैं जो माइनस वन नहीं बने, आई प्लस प्लस और इंट जे इक्वल्स टू ज़ीरो, जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस, अगर मेरा अब कोई वन है, मतलब अगर ग्रिड ऑफ
जो भी वन है वो बाउंड्री वाला वन नहीं होगा, इक्वल्स इक्वल्स वन, तो आंसर को क्या कर दो प्लस प्लस और रिटर्न आंसर। ठीक है, कंपाइल रन करते हैं, कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं। तो यार सबमिट भी हो गया। इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं यार। चलो अगर यार अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है मुझे कंटिन्यू करना है।